वित्त मंत्री अरुण जेटली आज 2018 का बजट पेश करने वाले हैं। सरकार से जुड़े लोग इसे आम जनता के हितों से जुड़ा बजट बता रहे हैं, तो वहीं विपक्षी दल इसे चुनावी बजट करार दे रहे हैं और जुमलों की बारिश की बात कर रहे हैं। बजट से एक दिन पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि सरकार ये बजट लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पेश करेगी। इसमें लोक लुभावन घोषणाओं का ऐलान हो सकता है। तृणमूल कांग्रेस की कोर समिति की बैठक के बाद उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस साल चुनावी बजट लेकर आ रही है। सबको पता है कि पिछले 4 साल से सरकार कैसे चल रही है, वर्तमान में क्या हालत है, लेकिन इस साल वे एक चुनावी बजट पेश करने जा रहे हैं। उनका दावा है कि हम चुनाव को देखकर बजट पेश नहीं करते हैं, हमारा बजट उन्नतिशील होता है, ये हमेशा जनता के लिए होता है। हमारी सरकार के साथ क्या होगा ये जरूरी नहीं है, हम कभी भी जनता के विरोधी कार्यक्रम नहीं लाते हैं। दूसरी ओर कांग्रेस ने इस बजट को जुमलों की बारिश वाला बताया है। कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री आरपीएन सिंह ने बजट पेश होने के एक दिन पहले कहा है कि एक बार फिर जुमलों की बारिश होगी। 4 साल से देश में जुमलों ने ही सुने हैं और कल भी वही होगा। उन्होंने कहा कि ईश्वर से प्रार्थना है कि इस बार किसानों और नौजवानों के लिए बजट में कुछ हो। 15 लाख रुपए का वादा, 2 करोड़ सालाना नौकरियां, पाकिस्तान से 56 इंच के सीने के निपटने की बात सिर्फ जुमले ही साबित हुए हैं।